मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, राइट। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी को ही देख लो, तो अगर बहुत समर की सीजन हो, राइट, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, राइट, पसीना होता है, राइट, स्वेट होता है, तो वो कैसे क्यों होता है? क्योंकि हमारी इनर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे उसकी वजह से वो स्वेट होता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी, जो आसपास के जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उससे हमारी बॉडी अवेयर रहती है और उसके हिसाब से वो अपनी बॉडी को अडेप्ट करती है, राइट, और अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शंस करती है जिससे हम सराउंडिंग एनवायरमेंट से कंपेंसेट कर सके और वहां पे अडेप्ट कर सके, राइट। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली, राइट। जो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट चेंज होता है या कुछ भी एक्सटर्नल, वो कोई भी फैक्टर हो, लाइक फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल, जिससे हम रिस्पॉन्स करते, राइट, तो उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ हमारे में नहीं होती, प्लांट में भी होती है। लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा पुडिका जो एक प्लांट है, उसको, उसके लीव्स को अगर हम टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, राइट। कुछ प्लांट्स ऐसे जो होते हैं कि जहां पे उनको लाइट मिलती है, जिस जहां पे सन होता है, उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं, राइट। सिमिली फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी हो सकती है, राइट। तो अगर फिजिकल में हम देख ले तो लाइट है, टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं कुछ प्लांट में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, राइट। और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, चेंज होता है उनमें, रिएक्शंस होता है, राइट। बायोलॉजिकल, अगर हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया, राइट, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या वायरस का, तो उससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, राइट। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से, मतलब जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मीन्स हमारी बॉडी कॉन्शियस है, अवेयर है वो जो सारे रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से, राइट। सो स्टिम्युली इज एनीथिंग विच एलिसिट अ रिएक्शन। स्टिम्युली मीन्स क्या है कि वो कुछ कोई भी फैक्टर हो सकता है, चाहे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बट वो हमारी बॉडी में क्या करता है, रिएक्शंस करता है, रिएक्शन होता है, विच एलिसिट अ रिएक्शन। इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस बात है, अगर नॉन लिविंग थिंग कुछ होता है तो उसमें ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं होती, राइट। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जो रिस्पॉन्ड करता है हमारी बॉडी, तो वो क्या होता है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस हैव एडिशंस फैक्टर सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। हमें खुद से ही अवेयरनेस हो जाती है अगर हमारी बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल जैसा होता है या कुछ अनकॉन्शियस होता है जो हमें नहीं कुछ सही नहीं लगता, राइट, तो हमारी बॉडी तुरंत उसको रिस्पॉन्स करती है, राइट। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, राइट। छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो भी एनवायरमेंट से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट, जो हर्ट्स होता है, अगर उनमें वो ग्रो करते हैं तो वो अपने आसपास सिस्ट फॉर्म करते हैं, मीन्स स्पोर बना देते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को, राइट। फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटोपीरियड अफेक्ट मीन्स क्या होता है? फोटोपीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव इल्यूमिनेशन। जो डे टाइम होता है, जो डे लेंथ होती है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियड, जहां पे लाइट मिलती है ऑर्गेनिज्म को, तो उसे बोलते हैं फोटो पीरियड। तो वो फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। कुछ कोई कोई सीजनल ब्रीडर होता है तो उनके रिप्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है फोटो पीरियड, राइट। ऑल लिविंग फिनोमेना। सो ये जो सारे पॉइंट्स थे वो किसके थे? कॉन्शियसनेस के, जो हर एक लिविंग थिंग कॉन्शियस है, अवेयर है, वो रिस्पॉन्स करता है, राइट। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके चेंजेस के हिसाब से वो खुद की बॉडी में रिस्पॉन्स करता है, रिएक्शंस होती है, वो एडेप्टेशन करते हैं। तो ये जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग ऐसी अवेयरनेस और रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, अवेयर रहती है, राइट। तो इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे कैसे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं? सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। मीन्स अगर कोई टिश्यू है तो वो टिश्यू का कोई टिश्यू है जो पर्टिकुलर सेल से बनते हैं, राइट, तो वो सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसकी वजह से वो टिश्यू की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, राइट। तो उसी हिसाब से हम
बहुत डीपली जाए तो सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल्स आते हैं कि अगर बायो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं राइट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से जो बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिल्स बनाते हैं जो सेल में प्रेजेंट होती है राइट. जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया राइट, लाइसोसोम हो गया, गॉल्जी एपरेटस हो गया. तो वो जो सारे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिल्स है वो कैसे बनती है, बायो मॉलिक्यूल से बनती है राइट. और फिर सब ऑर्गेनिल से क्या बनता है, सेल्स बनते हैं. सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं राइट. और सभी टिश्यू और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं राइट, जैसे हार्ट लंग्स राइट. और फिर सारे ऑर्गन्स जुड़कर पूरी एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स मिलकर पूरी एक सिस्टम बनाते हैं. और वो सभी सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है राइट. तो ये यहाँ पे ये जो लेवल है जो एक से बढ़कर एक बनता जाता है राइट. तो ऐसे हर एक लिविंग थिंग में ये जो है वो इंटरेक्शंस होता है. क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है. जैसे बायोमोलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होकर ऑर्गेनिल्स बने, ऑर्गेनिल के बीच में इंटरेक्शन होकर पूरा सेल डिफाइनिंग सेल बनता है, सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होकर टिश्यू बनता है. उसी हिसाब से हर एक लेवल पे इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से पर्टिकुलर कोई सिस्टम और ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है राइट. पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है राइट. So therefore, we can say that living organisms are self-replicating, right? Self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system. Self-regulating interactive system, right? क्योंकि हम खुद से ही खुद की बॉडी खुद से ही इंटरेक्शंस करती है, एडेप्टेशन करती है, उनके पास रिस्पॉन्ड वो रिस्पॉन्ड करती है, उनके पास अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है राइट, विच कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिम्यूली. So, ये जो सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स राइट. वो सेल्यूलर बॉडी होती है. तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो किसके है, लिविंग थिंग के है राइट. सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, वो खत्म होता है राइट. सो इट इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. जैसे हमने सबसे पहले देखा था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, जो सारे लिविंग थिंग के बारे में हमने डिस्कस किया राइट. कि कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, नॉन लिविंग में क्या होता है, लिविंग थिंग में क्या होता है राइट. सो नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज लिविंग थिंग राइट. जो कॉन्शियसनेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं राइट, वो इंटरेक्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो ये सब जो पॉइंट्स है, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, वो लिविंग थिंग की है राइट. सो नाउ क्लियर अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग. ओके,